नमस्कार, मैं दीपाली आप सभी का स्वागत दीपाली एस्ट्रो में करती हूँ। और देखते हैं आज का दिन यानी कि 26 जून 2022 कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन खास तौर पे फर्स्ट हाफ के दौरान आपको एक्सेसिव मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कोई पुराना मैटर आपके सामने आ सकता है जो आपके तनाव को और बढ़ाकर जा सकता है। इसलिए सोच के समझ कर मैटर्स को सारे पॉजिटिविटी के साथ अध्ययन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रुके हुए काम आपके आगे बढ़ने शुरू होंगे। अगर वो चीज़ किसी निवेश से संबंध रखती हुई आपके सामने आती है या आप काफ़ी समय से निवेश करने की सोच रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स में आगे बढ़ने की सोच रहे थे और चलते चलते कुछ ब्लॉकेज आ रहा था, वहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ से आपको आज के दिन बहुमूल्य राय मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ के दौरान स्ट्रेस फैक्टर्स को कंट्रोल में रखते हुए आज के दिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा दिन साबित हो सकता है अगर टैक्टफुली बिताया जाए। तो बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य संबंधित चिंताएँ वृषभ राशि वालों आपके लिए बढ़ सकती हैं। आज के दिन आपका और आपके माता या माता तुल्य किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंता दे सकता है, तो वहां पर आपको बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आज के दिन आपको अपने आप को तनाव रहित होने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट टेक्निक्स पर भी काम करने की ज़रूरत है। आज के दिन आपको अपने लिए थोड़ा सा निकालना चाहिए जहां पर आप आकलन कर सकें कि क्या सिचुएशन किस तरह से चल रही है, उसमें किस तरह का इंटरवेंशन, किस तरह का मूल्यांकन करके कौन सा स्टेप आप अपनी आत्मिक शांति के लिए ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप आत्मचिंतन आज के दिन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने काफ़ी दिनों से अपने स्वास्थ्य को या मेंटल हेल्थ को इग्नोर करके आप चल रहे थे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। कामकाज के संदर्भ में मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लंबे समय से चल रहा तनाव कार्यक्षेत्र के संदर्भ में आपको आज के दिन कोई ना कोई नुकसान पहुंचा कर जा सकता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में कम्युनिकेशन को क्लैरिटी के साथ लेकर आगे बढ़ना है। शब्दों का प्रयोग और जिस सेंस में आप बात कह रहे हैं उसी प्रस्पेक्टिव में या उसी सेंस में सामने वाला आपकी बात को समझे, इसकी आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में पराक्रम की वृद्धि होगी, मन आपका शांत रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आज के दिन पॉजिटिव होकर क्लैरिटी के साथ बढ़ने की ज़रूरत है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज के दिन पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए। सामान्यतः आपकी परिस्थिति चलेगी, कुछ खास उतार चढ़ाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे चल रही हैं सिचुएशंस वैसी चलती रहेंगी। लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा। कुछ नई दिशा निर्देश, सूचना, संकेत आपको किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति विशेष से मिल सकते हैं, जो कार्यक्षेत्र के संदर्भ में आपकी उन्नति के लिए कोई ना कोई स्टेप लिया जा सकता है या कारगर वो व्यक्ति हो सकता है। विदेश यात्रा से संबंधित, विदेश रहने स्थान गमन से संबंधित या वहाँ पर सेटलमेंट से संबंधित कोई ना कोई अगर आप प्रयास कर रहे थे तो उसमें आज के दिन पॉजिटिव स्टेप आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों, आज का दिन थोड़ा सा ऊर्जावान बनाने की अपने आप को कोशिश करिए। चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से लेकर आगे बढ़िए, ऑर्गेनाइज रहिए, डिसिप्लिन रहिए। हालांकि फर्स्ट हाफ के दौरान थोड़ा सा आलस आपको सता सकता है, कार्यक्षेत्र में कुछ चीज़ों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आज के दिन अटेंटिवनेस, जितनी आप अटेंटिव बन के चलेंगे उतना आपके लिए अलर्टनेस आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी। साथ ही साथ डिसिप्लिन अप्रोच लेकर चलेंगे तो आपके कार्यक्षेत्र में चल रही अनियमितताओं को आप आकलन भी कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, गैप आइडेंटिफिकेशन के बाद आप उसमें महत्वपूर्ण कोई स्टेप भी ले पाएंगे। साथ ही साथ आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी आपको सेकेंड हाफ के दौरान सता सकती हैं, खास तौर पे पेट संबंधी रोग से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। परिस्थितियां कन्या राशि वालों आपके लिए बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अनुचित जो आपकी भाषा बीच बीच में हो जाती है, जहां पर आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और परिवार पे स्ट्रेस निकाल देते हैं, उस पर आज के दिन आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस फैक्टर्स को बैलेंस आउट करिए, शब्दों का प्रयोग सोच के समझ के करिए, खासतौर पर निजी संबंधों में, क्योंकि यही आज के दिन से दरार डालने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ निवेश करने से पहले सारे आयाम को, सारे एस्पेक्ट्स को सोच के समझ के आगे बढ़ने में ही पूर्णता आपको देखने को मिलेगी। कुल मिला के आज का दिन अगर टैक्टफुली बिताया जाए तो काफी ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है।
बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचा कर चलना है अपने आप को। इम्पल्स पर आकर ना तो शॉपिंग करनी है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट पैटर्न को आगे लेकर जाना है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कहीं से प्रेशर आ रहा है कुछ डील करने का, कुछ चीज़ें खरीदने का, तो आज के दिन आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपने सारे तथ्यों को रिव्यू कर लिया है तब आपका निवेश करना बनता है, नहीं तो लंबे समय में यही किया हुआ निवेश आपको मेंटल टेंशन देकर जा सकता है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी चेंज करने के इच्छुक हैं, अगर आप अपने प्रयासों में तेजी आज के दिन लाएंगे तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर शुभता या शुभ संकेत चीजों में देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन सोच के समझ के सारे आयाम को अपने फेवर में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर रखिए, व्यवस्थित रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए, डिसिप्लिन रहिए। अपने लिए भी समय निकाल पाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आज के दिन आप प्राथमिकताओं के दायरे को बढ़ाते हुए और ज़्यादा चीज़ों में भी फोकस अपना बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र के एक्सपेंशन के बारे में अगर आप सोचना चाहें तो परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनी रहेंगी, मन आपका शांत रहेगा, विचारधाराएँ प्रबल रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील रहिए। कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए अवसर जो आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे आज के दिन आपको वो मिलते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के आज का दिन साधारण तरीके से इफेक्टिवली अगर आप मैनेज करने की कोशिश करें तो आपके लिए सिचुएशंस और पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगी। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। कार्य क्षेत्र में धनुराशि वालों, आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टायरिंग और टैक्सिंग हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको सता सकती हैं, खास तौर पे परिवार पक्ष से आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है। संतान पक्ष से आज के दिन आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आज के दिन आपको व्यवस्थित ढंग से परिवार की सारे उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हुए कोई एक इफेक्टिव या ठोस निर्णय आज के दिन लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं या आपकी कोई लॉन्ग टर्म ट्रैवल या कार्य क्षेत्र से संबंधित ट्रैवल इंडिकेटेड है तो वह आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को बैलेंस करती हुई जा सकती है, आपको रेजुविनेट करती हुई जा सकती है और प्रिपेयर कर सकती है आगे आने वाली चुनौतियों के लिए। तो कुल मिला के आज के दिन कार्य क्षेत्र से थोड़ा सा आपको समय लेकर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है जिससे कि आप रेजुविनेटेड फील कर पाएँ। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए नई ऊर्जा का एक प्रतीक माना जा सकता है। संबंधों में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कोई पारिवारिक स्तर पे अगर आपका कोई तनाव या चुनौती आपके लिए आ रही होगी रिश्तों में, संबंधों में, वो भी अब चैलेंज आज के दिन खत्म होता हुआ नजर आएगा या उसकी परिस्थिति अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। कोई दिशा निर्देश, सूचना, संकेत या कोई एक महत्वपूर्ण परिस्थिति आपके लिए किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से आ सकती है जो आपके रिश्तों में कोई एक अच्छी पॉजिटिविटी लेकर परिस्थिति बन सकती है। साथ ही साथ लंबे समय से चल रहा पारिवारिक तनाव साझा होता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपको सोच के समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण ये है कि आप सही समय पर किस तरह का महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं। सो आज के दिन टाइमिंग का आपको ख्याल रखते हुए कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, आज का दिन मेहनत ज़्यादा करा सकता है, टायरिंग टैक्सिंग हो सकता है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है, खान पान अनियंत्रित हो सकता है। सिचुएशंस को बैलेंस आउट करने के लिए खान पान पर पहले पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। नकारात्मकता को अपने आप से दूर रखिए, मन को शांत रखिए। साथ ही साथ काम का बोझ बढ़ सकता है, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करिए। प्रायोरिटी वाइज चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिए, क्योंकि पाइलअप अगर आपकी चीज़ें होंगी तो आपका तनाव या स्ट्रेस फैक्टर और एग्रीवेट होता हुआ नजर आएगा। जो लोग प्रमोशन के इच्छुक थे या प्रमोशन की परिस्थितियां बन रही थी, अब उनके लिए वो परिस्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आएंगी। इसी के संदर्भ में नौकरी चेंज करने के लिए जो लोग इच्छुक थे या प्रयासरत थे, अब उनके प्रयास कारगर होते हुए नजर आएंगे। विदेश सेटलमेंट की परिस्थिति तेज तरीके से अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, खासतौर पर अगर डॉक्यूमेंट्री प्रोसीजर में डिले हो रहा था तो। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मन को शांत रखिए मीन राशि वालों, पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करिए, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा करिए और आगे बढ़ते चलिए, आप अपनी मंजिल के बहुत ही निकट हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल इनकम रिसोर्सेज को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सब तरह से आपके लिए पॉजिटिविटी इंडिकेटेड है। दृढ़ निश्चय और संकल्प करिए, आगे बढ़ते चलिए, आप अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, परिस्थितियों को अपने फेवर में लाइए। साथ ही साथ आज के दिन दृष्टिकोण को आज के दिन आपको और प्रबल बनाना है, अपने चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलिए, पॉजिटिविटी आपके लिए आ जाएगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में नई स्ट्रैटेजी का भी आप आज के दिन अवलोकन करते हुए उसको भी एग्जीक्यूशन मोड में ला सकते हैं। कार्य क्षेत्र में विस्तार की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।